अगर किसी के जीवन में ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में वह मेहनत तो खूब कर रहा है परंतु उसको वैसी सफलता नहीं मिल रही है, या आपको ऐसा दिखेगा कोई व्यक्ति वो कहेगा कि सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकता हूं, परंतु कहीं ना कहीं मैं मिसिंग हो जा रहा हूं, या फिर मेरे इंटरव्यू में जाता हूं मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो कोई भी रिलेटेड जॉब हो, या फिर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि सर मेरा व्यवसाय है पहले खूब चलता था परंतु अभी व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने 3-4 जोन को थोड़ा आप देखना। ये 3-4 जोन जो होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई कहता है कि जॉब नहीं लग रही है या जॉब में समस्या आ रही है या व्यापार नहीं चल रहा है या व्यापार में क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपने ऐसी कंडीशन में उनके घर की उत्तर की दिशा आपने देखना। अब उत्तर की दिशा में क्या क्या हो सकता है, एक वास्तु दोष होता है, उत्तर की दिशा में उनके घर में टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, या उन्होंने पिंक कलर, अपनी वॉल पे लगा रखा होगा, या फिर उन्होंने पिंक कलर के पर्दे या लाल कलर के पर्दे लगा रखे होंगे, या फिर उत्तर की दिशा का अगर उनका घर है तो उन्होंने मेन डोर पे लाल कलर का पर्दा या डार्क मरून कलर का पर्दा अगर उन्होंने लगाया है तो ये एक वास्तु दोष है। अब आपका क्लाइंट बोलेगा सर ये वास्तु दोष अभी क्यों आया, सिंपल सी बात है। तो समझना, पहले हम आज से 70-80 साल पहले जो हम रहते थे एक नॉर्मल लकड़ी के मकान में रहते थे, जहाँ पे खपरे होते थे, जहाँ पे सीट्स होते थे, पहले की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में क्या है, हर व्यक्ति एडवांस होता जा रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में अपने घर को अपडेट कर रहा है, चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली का हो, लोअर क्लास फैमिली का हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे प्रीमियम क्लास का हो, हर व्यक्ति अपने घर को अपडेट कर रहा है। तो जैसे जैसे वो अपडेशन करता चला जाएगा वैसे वैसे वास्तु अपना प्रभाव देना चालू करेगा। पहले समझ लो 40-50 साल पहले लोगों के घर में टॉयलेट नहीं होते थे, आज आप देख लो हर घर में कम से कम 2-3 टॉयलेट आपको मिल जाएगा। अब ये टॉयलेट क्या है, ये है राहु। बात समझ में आ रही है, पहले के समय में लोग पानी का स्टोरेज एक फ्लो होता था, लोग नल से पानी लेकर आते थे या उनके घर पे एक नॉर्मल नल होता था, वहाँ से उनको टाइम टू टाइम पानी मिलता था। आज क्या है, लोग अपडेट हो गए हैं, अपने घर में बोरवेल करा रहे हैं और पानी का स्टोरेज कहाँ कर रहे हैं, ऊपर टंकी में। पहले टंकियाँ नहीं होती थी, पहले के समय में आज से 20 साल पीछे चले जाओ जो कलर्स आते थे वो गिनती के 4-5-6 कलर होते थे, वाइट कलर होता था, ब्लू कलर होता था, रेड कलर होता था। आज की डेट में आप देख लो अपडेट हो गए हैं, डिफरेंट कलर, जो कलर आपको पसंद है वह कलर आपको मिल जाएगा और आप उसकी वॉल पेंट करवा सकते हो। तो समझने का मतलब यह है कि जैसे जैसे पहले लोग अपने घर को ज़्यादातर ऑफ वाइट या वाइट या नॉर्मल ब्लू कलर करवाते थे, आज हम हर रूम में अलग अलग कलर कराते हैं। हमारी 3 वॉल एक कलर की होती है, 1 वॉल डिफरेंट कलर की होती है, हम वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप एसेसरीज़ को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उनके घर की उत्तर की दिशा अगर अनबैलेंस है तो डेफिनेटली उनको जॉब से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर वहाँ पर लाल कलर का पर्दा है तो आप उन्हें कहिए कि इसे आप हटा दो। अगर वहाँ पर टॉयलेट है तो वहाँ पर आपने टॉयलेट सीट के ऊपर में येलो कलर की पट्टी लगवा दो, टॉयलेट बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद उनको कहो कि आप चाहो तो इसमें आप वाइट वॉश करा दो, ऑफ वाइट कलर का या लाइट ब्लू कलर का, इट्स ओके। चाहे जोन उनका बड़ा हो, घटा हो, कुछ भी हो, वो एटलीस्ट बैलेंस तो होगा। अगर उसके नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं 70-80% ख़त्म तो होंगे, वो बाद का प्रोसेस है कि जोनिंग छोटा है, बड़ा है, कटा है या जो भी है वो बाद में देखेंगे, कम से कम उसको कुछ तो राहत मिलेगी। ये पहला उपाय। दूसरा आपने देखना है कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर पानी आ गया, साउथ ईस्ट में अगर काला रंग आ गया, साउथ ईस्ट में अगर नीला रंग आ गया या साउथ ईस्ट में वाइट कलर भी आ गया तो ये होता है एक वास्तु दोष।
कई लोग कहते हैं साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में अगर बोरवेल आ गया या बोर आ गई या आपने स्टोरेज कर रखी है पानी की टंकी या अपने सीवरेज स्टोर आप नीचे बना के रखे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं वास्तु दोष को देखना पड़ेगा। करना क्या है, अगर वहाँ पर किचन है, कई लोग जनरली वास्तु के हिसाब से ही घर बनाते हैं, किचन का प्लेटफॉर्म अगर ब्लैक कलर का है तो भी उनको कैश फ्लो में दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, तो वहाँ पर आग में पानी चली गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। टॉयलेट आ गया, स्टोर रूम आ गया, तो पैसों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब उसको बैलेंस कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल आप एक रेड कलर का उनको बोलिए कि आप अपने साउथ ईस्ट की जोन पे रेड कलर का बल्ब लगा दो जो कि 24 घंटे जलता रहे, उस जोन को एटलीस्ट 50-70% फायदा मिलेगा। अगर उनका प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का है तो उनको आपने ये कहना है कि कोशिश करिए कि इस ऊपर के प्लेटफॉर्म को आप ग्रीन कलर से आप करवा दो, तो उसके जो दुष्प्रभाव है वो ख़त्म होने लगेंगे। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो ट्रायंगल शेप में रेड कलर काटें और उस जोन पे साउथ ईस्ट में अगर रूम है तो चारों दिशाओं में वो ट्रायंगल शेप लगा दें, और इस कटिंग के नीचे अगर वो ट्रायंगल शेप लगाते हैं रेड कलर से तो वहाँ पे फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगी और उनका जो प्रॉब्लम्स है कैश से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। उसके बाद आपने तीसरी दिशा देखनी है, वो है वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट किचन या स्टोर रूम आ गया तो पैसे कभी रुकेंगे ही नहीं। उसको बैलेंस करने के लिए आपने करना क्या है, वो बहुत सेंसिटिव जोन होता है, इस जोन को ट्रीट करने से पहले आपने वास्तु प्रॉपर देखना है तब जाके आप वहाँ ट्रीट करें। नॉर्मल वे में आप वहाँ पे कहें कि आप एक वाइट कलर का बल्ब लगा दो जो कि 24 घंटे जलता रहे, और वहाँ पर अगर स्टोर रूम है या काला कलर है वहाँ से रिमूव करा दो, या नीरा कलर है रिमूव करा दो, स्टोर रूम है उससे साफ सुथरा करने बोलो, टॉयलेट है तो वहाँ पर आप ब्रास की पट्टी या एल्युमिनियम की पट्टी का प्रयोग करके उस टॉयलेट को हम ब्लॉक कर सकते हैं। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। तो ये एक छोटे से अगर हम सिम्टम्स को पकड़ लें, अगर उस व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्लैनेट का इफेक्ट है तो उस प्लैनेट के इफेक्ट को भी वो ख़त्म करेगा। अगर उसके कुंडली में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शनि ग्रह, राहु ग्रह या जो भी प्लैनेट अगर ख़राब है, तो ये तीन जोन को अगर बैलेंस करते हैं तो ऑलमोस्ट उसका कुछ जोन तो अच्छा हो ही जाएगा। अगर हमने उत्तर की दिशा को बैलेंस कर दिया तो वो मरकरी है, बुध है, बुध का काम क्या है, नए आइडियाज देना, तो वो एटलीस्ट बैलेंस हो जाएगा। साउथ ईस्ट जो होता है वो शुक्र का जोन होता है, तो साउथ ईस्ट को हमने बैलेंस कर दिया तो वो लग्जरी है, शुक्र लग्जरी देते हैं। वेस्ट के जोन को अगर हमने बैलेंस कर दिया तो शनि है, बुध शुक्र और शनि, ये तीन प्लैनेट को आप अपने क्लाइंट के बैलेंस कर दो। अगर वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी है ना तो वो कम से कम खड़ा हो जाएगा, दौड़ नहीं सकता तो एटलीस्ट खड़ा तो हो जाएगा, पैसों से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है एटलीस्ट उसको कुछ तो अच्छा होगा, 50-70% भी अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा हो गया तो काम बन जाएगा।